दोस्तों आपने रेप, गैंगरेप या फिर ऐसी खबर देखी सुनी होंगी जिसमें इंसान के खाल में छिपे भेड़िए अमानवीयता की सभी हदें पार कर देते हैं। मगर क्या आपने कभी सुना है कि किसी युवती की असमत महिलाओं ने ही लुटवा दी हो? दोस्तों जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो देश की राजधानी दिल्ली से है। यकीनन ये घटना सुनने के बाद आपका सिर शर्म से झुक जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारे समाज में आज भी ऐसे हैवान हमारे बीच रहते हैं जो न सिर्फ एक लड़की की इज्जत को उसके बीच बाजार नीलाम कर दें बल्कि उससे जीने का हक भी छीन लें। आदाब नमस्कार, मैं हूं हामिद सैफी और आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज़। देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा था और देश का दिल कहे जाने वाली देश की राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। तभी राजधानी दिल्ली में ऐसी वारदात हुई जिसे सुनने के बाद आप सिहर उठेंगे। दिल्ली विवेक विहार इलाका एक लड़की की चीख सुन तो रहा होगा मगर शायद उसकी गहरी नींद टूट नहीं पा रही होगी। एक न्यूज़ वेबसाइट पर छपी खबर के अनुसार बुधवार को हुई एक वारदात ने राजधानी दिल्ली को शर्मसार कर दिया। विवेक विहार के कस्तूरबा नगर में निजी रंजिश में 20 साल की युवती से सामूहिक दुष्कर्म के बाद दबंगों और कुछ महिलाओं ने मुंह पर कालिख पोत कर उसे गलियों में घुमाया। आरोपियों ने उसके बाल काट दिए और गले में जूते व चप्पलों की माला भी डाल दी। पुलिस उपायुक्त आर सत्यसुंदरम ने बातचीत में बताया कि 7 महिलाओं को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है जबकि 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। दबंगों ने महिला को कड़कड़डूमा स्थित घर में अगवा कर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। महिला से 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म, कुकर्म और अप्राकृतिक यौनाचार करने के बाद निजी अंग में मिर्च पाउडर डाल दिया था। दरअसल पीड़ित महिला और आरोपी परिवार के 16 वर्षीय लड़के के बीच दोस्ती थी। लड़के का परिवार इसका विरोध करता था। बाद में लड़की के परिजनों ने उसकी शादी सीमापुरी के एक युवक से करा दी। पिछले साल नवंबर में लड़की ने नाबालिग लड़के से मिलने से मना कर दिया। इसके बाद गुस्से में लड़के ने 12 नवंबर को विवेक विहार में ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। लड़के के परिजन उसे बेटे की मौत का दोषी मानने लगे। शादी के बाद महिला अपने ससुराल सीमापुरी में रहती थी लेकिन लड़के की मौत के बाद जब उसके परिवार ने लड़की की तलाश शुरू की तो वह छिपकर कड़कड़डूमा में रहने लगी। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि वारदात की सूचना के बाद पहुंची पुलिस से भी आरोपियों ने बदसलूकी की थी। किसी तरह महिला को भीड़ से छुड़ाकर थाने लाया गया। उसका मेडिकल कराने के बाद विवेक विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। आरोप है कि बुधवार सुबह करीब 10:45 पर महिला की छोटी बहन घर से कुछ सामान लेकर बहन के घर के लिए निकली थी। लड़के के घर वालों ने उसका पीछा किया। इसके बाद वह कड़कड़डूमा में पीड़िता के घर पहुंच गए। वहां कई महिलाओं व अन्य लोगों ने पीड़िता को अगवा कर ऑटो में बिठा लिया। रास्ते में उसे पीटा। इसके बाद उसे कस्तूरबा नगर के एक मकान में लाकर 2 नाबालिगों व एक अन्य लड़के के हवाले कर दिया। आरोपियों पर अवैध शराब बेचने के केस भी दर्ज है। आरोपी परिवार दबंग किस्म का बताया जाता है। इनके खिलाफ शराब और मादक पदार्थ बेचने के कई मामले दर्ज हैं। वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। वीडियो में पीड़िता को पीटने पर भीड़ में ही मौजूद लोग और तेज चिल्लाकर हूटिंग करते दिख रहे हैं। सभी लोग तमाशबीन बन रहे हैं। किसी ने महिला की मदद नहीं की। अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई ये बेहद शर्मनाक बात है। केंद्रीय गृह मंत्री और उपराज्यपाल से आग्रह किया है कि वह पुलिस को आदेश दे कि मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इसके अलावा कानून व्यवस्था पर ध्यान दे। दिल्लीवासी इस तरह के जघन्य अपराध और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि 20 साल की महिला पर बर्बर हमले को लेकर DCP शादरा से बात की गई है। कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं और आगे भी होंगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन जानवरों यानी पुरुष और महिलाएं जो इस घटना में शामिल थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। पीड़िता को हर तरह की सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों हैवानियत की हदें पार कर देने वाले इन लोगों को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए वो आप हमें एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।
मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके बीच एक सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिए टाइम 24 के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, नमस्कार, जय हिंद। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत। टाइम 24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का।